विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छावड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसायगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। कल आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने हमारे साधकों को योगियों को विशेष रूप से उपदेश दिया था इस गाथा में कि हे योगी हे साधक, आप साधना के लिए मोक्ष मार्ग पर बढ़े हो तो लौकिक जनों की संगति को छोड़ो, क्योंकि लौकिक जनों की संगति छोड़ करने से बाचालता आ जाती है, व्यर्थ की चर्चाएं शुरू हो जाती है, व्यर्थ की चर्चा शुरू हो जाती है, मतलब कोई मतलब नहीं रहता, और व्यर्थ की ऐसी चर्चा घर गृहस्थी की, कहीं किसी की, कहीं किसी की, कुछ भी ना कुछ, मतलब अनेक प्रकार की चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं। कहने का मतलब हमारे आचार्य महाराज का यह है कि साधकों को साधकों के साथ ही विशेष शोभा देता है, और हमने कल एक बात बताई थी, जितना साधु ग्रस्तों से दूर रहे, ग्रस्त मतलब समाज के न पचड़े में पड़े न समाज के ज्यादा बीच में रहे, साधु तो श्रावक तो सम साधु के बीच में रहे, पर वास्तव में साधु को श्रावकों के बीच में, मतलब व्यर्थ की, कहने का अर्थ तो व्यर्थ की चर्चा में नींद ना हो, व्यर्थ की यहां वहां की चर्चा प्रारंभ कर दें, घर गृहस्थी की चर्चा प्रारंभ कर दें, और महाराज कैसे हो, अच्छा चल रहा, तुम पूछ लगे भाई या तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही, लो यही में चले गए, क्या करना महाराज तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही। पर वास्तव में एक हमारे आचार्य महाराज बहुत सुंदर, क्योंकि कुंदकुंद स्वामी अध्यात्म संत तो रहे ही हैं, महान साधक रहे हैं, महान साधना की, उनका कहने का अर्थ कि व्यर्थ का समय व्यतीत ना करें, क्योंकि एक बार समय निकल, मैंने एक शाम को शायद बताया था, वृक्ष से टूटा फल, यानी में ध्यान रखना, वृक्ष से टूटा फल नदी से बहता बहा नाल पानी, और धनुष से टूटा तीर और मुख से निकली वाणी, ये जैसे वापस नहीं आती, ऐसे निकला हुआ समय वापस मना नहीं आता, और कथनचित ये फिर से मिल जाए, क्योंकि वाणी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कितना सोचते रहेंगे गप्पू यार गलती कर दी, नहीं जाते हो जाता, सोचते रहेंगे बाद में, अशोक ने तब मजा आएगा, बोले और बढ़ के बताएंगे, तो देखो ऐसा हुआ और सब आनंद। तो कहने का अर्थ है जो समय की कीमत करके समय को समझ जाता है और समय पर समझता है, वही समय सार को प्राप्त कर पाता है, और जो समय पर नहीं समझता वो बाद में पछताता है। पछताने के दृष्टांत तो एक से एक दृष्टांत है, जब व्यक्ति अविवेक का कार्य कर लेता है, विश्वास करना ज्ञानी, समय की बहुत कीमत करो, वो अपनी इस मनुष्य पर्याय को बहुत संभाल के रखो। राहुल भैया हीरा सी पर्याय मिली ज्ञानी, कैसे मिली हीरा सी, आज जो बहुत से लोग नए नए साधु बन रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बैराग होगा, 40 लाख का पैकेज छोड़ के आ रहा है, शिखर जी में दीक्षा हुई थी ना, अभी कितने लाख का पैकेज था, कितना कमाते हो साहिल, तुम कितना कमाते हो हैं? अब मात्र समझना, हम पूछने का मतलब तुमसे लेना नहीं है, पर समझना, विश्वास करना ज्ञानी, जब वैराग होता है,
जब बैराग होता है तो 40 लाख या 40 करोड़ का पैकेज छोड़ के ठुकरा दिया जाता है। हमारे यहां दृष्टांत है चक्रवर्तियों के, 6 खंड का अधिपत्य 96,000 रानियां छोड़ के आ गए। ऐसे ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं छोड़ पाते, जिनके घर में कुछ भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तो भी छोड़ने की भावना नहीं बन पा रही। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आर के मार्बल जैसा ज्ञानी 10 दिन गुरु चरणों में रहकर साधना करता है, जिसके पास क्या कमी है। लेकिन अब क्या, फिर चल रहा है, संसार है, संसार सभी धर्मात्मा नहीं हो सकते, पक्का है, क्योंकि सभी पापी भी नहीं होते। क्या सभी पापी भी नहीं होते? और मैं तो कहता हूं पापियों से धर्मात्माओं की पहचान है। क्या कोई गलत व्यक्ति निकले, ध्यान रखना धर्मेंद्र, यदि कोई गलत व्यक्ति निकले तो उसको गलत मत ठहराना, उसकी प्रशंसा करना कि गलत से तो अच्छों की पहचान होती है। किससे पहचान होती है अच्छों की? गलत इंसान ना हो तो अच्छो कौन? जब बच्चियां देखती हैं दूसरों को खराब खराब, अच्छी बुच्ची कहती है महाराज बाबा जी पापा जी मम्मी जी, ये चल रहा है आज का जनरेशन ऐसा है, आज का कल्चर ऐसा है, तुम्हें कहते नहीं उसमें मत जाओ, आप अच्छे बने रहो, तभी तुम्हारी पहचान होगी। करोड़ में एक हो पर हीरा हो बहुत कीमती मायने मान रखता है, विश्वास करना। ऐसे लोग हैं नहीं तो समय की कीमत नहीं कर पाते। एक छोटा सा दृष्टांत जीवन में उतारने लायक है, छोटा सा। एक बार एक मालिक ने, राजा ने अपने गरीब नौकर को उसकी सेवा से खुश होकर के एक खेत दे दिया। क्या दे दिया? और खेत में क्या था, चंदन की पेड़ थे, विशाल बड़े बड़े चंदन के पेड़, पूरा खेत भरा हुआ था। किसान को जब वो पेड़ मिला, खेत मिला, तो ठीक है खेत मिला है, अब वो खुश तो हुआ पर खुश नहीं भी हुआ, हो गया चलो राजा ने दिया। उसने एक ही चिंतन किया कि दान के बछिया के कान नहीं देखे जात, कान नहीं देखे जात, दांत नहीं देखे जात, कहीं बोलते कान नहीं देखे जात, जो भी समझ जाओ आप लोग, है ना, राजस्थान में शायद कान का बोलते हैं या दांत का बोलते हैं, जो हो तो समझ लो आप लोग। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जात, मतलब अब दांत है कि नहीं, छोटी है कि बड़ी है, कैसे मिली है, दान में मिली है, विश्वास करना, है ना, दान में मिली, कैसी मिली हो, देखो कह रही बच्ची, कुछ भी हो विश्वास करना। उसको खेत मिला, ध्यान रखना ज्ञानी, उसको खेत मिल गया पूरा। और जब खेत मिला तो बस वो गया, उसने पूरे पेड़ काट दिए। क्या कर दिया? पूरे पेड़ काट दिए, और काट करके उसने जला दिया, और जला करके उसमें हल चला दिया। हल चलाने के बाद उसने कोदू बे दिए, बो दिए। कोदू जानते हो, धान मान लो आपकी दृष्टि में, कोदू के समय धान के समय कोदू होते, कोदू समय धान होते हैं, धान बोल दिया, धान, धान मतलब चावल वाली है, ये मान लो, मालूम। जब धान बो दिया, पानी लगा दिया, पानी लग गया, जब अंकुरित हो गया, बड़ा खुश हुआ और राजा के पास गया। राजा, राजा साहब, राजा आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। क्योंकि एक बात और नोट कर लेना, हर व्यक्ति की सोच अपने हिसाब से चलती है, सभी एक से नहीं सोच पाते। और मैंने एक दिन बताया था आपको, गलत सोचने वाला भी अच्छा मानता है अपने आप को। जो यहां नहीं आ रहे वो भी अच्छा मान रहे हैं, और जो आ रहे वो भी अच्छा मान रहे हैं, बता दोनों में कौन अच्छा है? सबके सोच अलग अलग है, कोई किसी साधु पे जाता है, कोई किसी भी साधु पे जाता है, कोई किसी व्यक्ति करता है, कोई किसी व्यक्ति, अपनी सोच है, कोई किसी विधि पे मन लगता है, कोई किसी मन लगता है। एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज हम नसीहत दर्शन करने नहीं जाते। मैंने पूछा क्यों, बोले महावीर महावीर मतलब कीर्ति स्तंभ जाते, महावीर मंदिर। पूछा क्यों जाते हो भाई साहब, बोले कीर्तन स्तंभ जाने में एक ही वेदी में मन लग जाता है, बस एक वेदी के दर्शन करो, टेंशन फ्री, और नसिया जाओ इतनी सारी वेदी कहां तक दर्शन करो। वाह रे वाह, ऐसे धर्मात्मा हो जाए तो कल्याण हो जाए। अकृत्रिम जनालो की संख्या सुनो ना, तो करोड़ों पे है, कितनी, और नंदी सुधी बजाओ तो सवा पांच सौ धनुष की, 500 धनुष की, अवगाहन वाली पद्मासन, पूरे 52 जिनालय, वो एक एक जिनालय में 108 जिन प्रतिमा, कितनी, एक एक जिनालय में 108 जिन प्रतिमा,
और देवतागढ़ जो होते हैं भक्ति वसात भक्ति पूर्वक तीनों टाइम भगवान की आराधना किया करते हैं, वहां जाकर के प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। और विश्वास करना ज्ञानी, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं क्या करना है, बुद्धि सोच। तो उसने क्या कहा, राजन राजा हमने खेत जला दिया है। खेत जला दिया? बोले हाँ। बोले फिर क्या किया? बोले राजा उसको बिल्कुल खेत को साफ कर दिया। फिर क्या किया? उसमें हमने हल चला दिया, बिल्कुल उर्वरक बना ली, मतलब उसको उपजाऊ बना दिया। फिर क्या किया? फिर हमने उसमें धान डाल दिया। फिर अंकुरित हो गए राजा, चलो खेत में देखने के लिए। अरे बोले बेटा अब कुछ नहीं कह सकते तेरे लिए, एक काम कर तू, तो जो लकड़ी तूने जला दी, पेड़ जला दिए, उसमें से कुछ बचा है इसका क्या? बोले राजन उसमें तो बची नहीं, सब जला दिया। फिर ध्यान आया जिससे पकड़ के जलाया था, अध जली लकड़ी बुंदेलखंड में लूघर बोलते, जिसे क्या बोलते हैं लूघर, अध जली लकड़ी को। बोले वो लकड़ी बची होगी। बोले बेटा ले आ उसको। अब राजा तो राजा, क्या चिल्लाए क्या बोले, समझ गए, क्योंकि बड़ों की विशेषता यही होना चाहिए, जब छोटे कोई गलती करते हैं यही चिंतन करें इसकी बुद्धि ऐसी क्या करे, कर्म का उदय अशुभ है, अशुभ। बड़े लोगों की सबसे बड़ी विशेषता, राम और रावण की यही तो विशेषता थी, पद में चर्चा करूंगा, अभी मात्र दृष्टांत पूरा सुना दूं, तो बहुत से रह जाते हैं। विश्वास करना मालूम, उसने कहा लकड़ी लकी, तो राजा ने कहा जाओ ले आओ। वो लकड़ी ले आया, राजा को दिया। बोले बेटा जाओ दुकानदार के यहाँ ले जाओ। तो जैसे ही वो दुकान, महाराज राजा आप क्या बात करते हो, राजा दुकान में ले जाए? बोले हाँ ले जाओ किसी किराना दुकान में, रमेश जी किराना दुकान है उनके यहाँ ले गए। रमेश जी रोज पूजा करते थे, चंदन की पहचान थी, और सुंगा उन्होंने 2-3 हजार 5 हजार जितने हुए लकड़ी के दे दिए। बोले शिव जी इस लकड़ी की कीमत इतनी? बोले हाँ। बोले काय की लकड़ी थी? बोले चंदन की लकड़ी थी। अरे बोले सेठ जी इतने तो मेरे पूरे चंदन की लकड़ी के पेड़ जला दिए, राजा ने मुझे खुश होकर के पूरे पेड़ दिए थे, पूरा खेत भरा था, लेकिन अब क्या करे। वो छाती पर हाथ पीटता पीटता रोने लगा, चिल्लाने लगा। बोले भाई क्यों रो रहा है? बोले मेरे इतने सारे पेड़ जल गए। विश्वास करना ज्ञानी, उसको इतने सारे पेड़ मिले थे, सब जला के राख कर दिया, उसने एक लकड़ी का उपयोग करके रमेश जी गढ़ा वालों के यहाँ बेच आया। हे मुमुक्षू तुमने भी जितनी पर्याय नष्ट कर दी कोई बात नहीं, लेकिन जो वर्तमान मनुष्य पर्याय मिली उसका उपयोग कर लो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। अथवा जितना समय निकल गया सो निकल गया। इन माताओं से कहो थोड़ी जोर जोर से बातें करें, अच्छी से, थोड़ी आवाज कम आ रही, बोल दो जोर से करें। देखो माता लगी अच्छी आराम से, कोई टेंशन नहीं उसको, है महामाया के अलावा कौन हो सकता है, या महामाया हो महामाई, नहीं कल्लंद कल्लंद सोनू की मम्मी हो, उससे कुछ नहीं बोलो, अभी तो अधिकार है, अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष का पद मिला हुआ है सोनू के पापा को, हम इसलिए तो हमने आपकी बात करी नहीं, हमने सोनू की बात करी, हम समझदार हैं भाई साहब, भिंड में रह के भिंड का पानी लग गया, हाँ ऐसे थोड़ी है, क्या भाई गप्पू जी भिंड का पानी लग चुका मुझे, कहाँ बोलना है कहाँ पूछ लो, ज्ञानी समझ गया मुझे, हाँ कमेटी वाले पूरे समझ गए, शुरू शुरू में तो मुझे बहुत कई लोगों ने बोले महाराज ज़्यादा नहीं बोलो थोड़ी कम बोलो, अब तो बोले महाराज जब तक आपकी मार नहीं लगती तब तक मैं अच्छा ही लगता, अब तो अच्छी डांट लगने लगी आपकी, चलो कम से कम खुशी हुई, कुछ तो उतरा कुछ तो लगा। तो हमारे भी बोलते ऐसे भाई जो बुरा भी लगे दोनों काम हो जाए, क्योंकि भिंड वाले ऐसे मानने वाले नहीं है, प्रेम से मानने वाले, तो अपन प्रेम से करने लगे। अब आओ मेन विषय पर, हमारे साधकों के लिए विशेष और श्राप को सबको, समय की कीमत करो, क्या पर्याय की कीमत करो, पर्याय की कीमत करो, ये बहुत 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 दुर्लभ रस मिली है। जब पंच कल्याण का समय देखना, तब कल्याण का समय आता है और पालकी उठाने का समय आता है, और सौदर मिंद्रादि परिवार और मनुष्य परिवार, एक तरफ मनुष्य एक तरफ सौदर्म इंद्र खड़े रहते हैं, ईशान इंद्र धनपति कुबेर यज्ञनायक आदि आदि, और यज्ञनायक चलो मनुष्य पर्याय का है, और भी बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। विश्वास करना जब पालकी उठाने की बारी आती है तो दोनों आपस में बात विवाद करते हैं, संवाद करते हैं, वो कहते हैं पालकी हम उठाएंगे,
पालकी हम उठाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरा वीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अखिल कुमार जैन पीएनबी रानीवाला कंपाउंड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन एसबीआई वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोकचंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसायगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहरका निवासी मध्य प्रदेश, ललित कुमार जैन साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, साहिब कुमार जैन राजमल वाले टूंडला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश।